क्या देखो हम कभी देखो हम चाहते नहीं आते हो जाएंगे रफ्तार चलते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल जो होगा, इससे जो ग्राउंड फ्लोर होता है इसके बीच की जो दूरी होती है वो हमारी प्लिंथ कहलाती है। हस्तगुर विधि में क्या कहता है, हस्तगुर विधि में ये कहा गया है कि जो प्लिंथ का दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 300 से 450 mm। तो यहां देखिए कितना है, 400 mm है यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब कुर्सी तल आपको समझ में आ गया होगा कि कुर्सी तल हमारा क्या कहलाता है, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। वैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक की जो दूरी होगी प्लिंथ कहलाएगी। ठीक, ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक की जो दूरी होगी। ठीक, देखिए हमारा यहीं से इसका वॉल का थिकनेस भी 300 चालू हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि अब हमको क्या करना है कि ये हमारा जो मेन देखिए दूरी है, अब यहां पे देखिए ये जो सिंबल है ये वाला, ये शो करता है कॉन्टिन्यूअस का सिंबल। ठीक, मतलब कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का साइट होगा या जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा ये हमारा कॉन्टिन्यू है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ गया है। जब भी ये सिंबल आपको दिखे इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है। उसके नीचे हमारा ये प्लिंथ लेवल हो गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल। अब इसका देखिए यहाँ से इसका हाइट 400 और ये हमारा बाकी सारी चीजें हो गई। अब देखिए अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा हो गया स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। बाय यूजिंग थंब रूल मेथड, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम 300 mm थिकनेस की एक लाइन खींच लेंगे, मतलब ये हमारा वॉल का जितना थिकनेस होगा उतना हम एक लंबा लाइन खींच लेंगे। फिर हम चौड़ाई बना लेंगे, चौड़ाई क्या होगा 3 × थिकनेस ऑफ वॉल। उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे और क्लोज करने के बाद हम इसको बंद कर लेके इसके अंदर कंक्रीट का सिंबल दिखा देंगे। अब देखिए इसके बाद हम ऑफसेट डालेंगे, ऑफसेट का मतलब अंदर की तरफ आएंगे और 150 mm अंदर आएंगे। उसके बाद हम 200 का एक वॉल खींच लेंगे, फिर 200 का वॉल एक यहाँ खींच लेंगे, फिर उसके बाद 50 का ऑफसेट इधर से डालेंगे और 50 का ऑफसेट इधर से डालेंगे। फिर इसके बाद एक 200 का एक लाइन खींचेंगे, फिर 200 mm का एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे 50 का ऑफसेट और फिर यहाँ से 50 का ऑफसेट, फिर इसको बाद इसको मिला लेंगे, फिर हम 200 mm का फिर से एक लाइन खींचेंगे। लेकिन इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमारा प्लिंथ लेवल है। इसको कंटिन्यू करने के बाद फिर हम 50 का एक ऑफसेट अंदर की तरफ, 50 का एक ऑफसेट अंदर की तरफ इधर से, और हम इसको ऊपर हम लाइन को बढ़ा देंगे तो ये हमारा अपने आप 300 बन के तैयार हो जाएगा। फिर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये 3D दिखाने का प्रयास किया गया है। 3D में कैसे बनेगा, बस एक लाइन बना लीजिए उसके रेफरेंस से आप इसको खींचते जाइए, ये हमारा इसको खींचते जाएंगे और इसको बना लेंगे। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू।